हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ आपका दोस्त सागर कुमार नंदा और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीप एंड ब्लॉग्स। तो भाई, आज हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं जो नॉर्मल है, आप सब जानते हैं क्या है क्या नहीं, उसकी क्या अहमियत है, क्या कीमत है, हम सबको पता है। चलो तो देख लेते हैं एक बार पहले। देख लिया क्या है? तिरंगा है ना? बहुत ही जाना पहचाना सा चीज़ है हमारे लिए। चीज़ क्या? हमारी इज्जत है, हमारे शान आन बान सब है। कुछ लोगों को आज तक ना इसमें डाउट था कि इसकी क्या कीमत है, क्या अहमियत है, कितनी ताकत है इसमें। आज बिल्कुल मतलब सबके सामने आ गया है कि इसकी क्या कीमत है, कितनी ताकत है इसमें। कुछ लोगों को तिरंगा तो छोड़िए, भारत माता की जय कहने में भी शर्म आता था या वो परहेज करते थे। नाम लूँ तो मैं ले सकता हूँ, कोई बात नहीं है। ऐसे इतने घटिया लोग, इतना घटिया काम किए हैं पिछले दिनों, इतना घटिया बयान भी दिए हैं कि उनका नाम लेने में भी हमें शर्म आता है कि वो हिंदुस्तानी है, हर हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन भारत माता की जय कहने में उन्हें परहेज है। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो भारत माता की जय बोल देंगे ना तो उनका इस्लाम खतरे में आ जाएगा, या फिर जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम बिरादरी है, वहाँ उनका इज्जत कम हो जाएगा, या फिर वो लोग ऐसे सोचेंगे शायद कि ये पक्का मुसलमान नहीं है, या खैर छोड़ो, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। मैं ये बात इसलिए कि आज आपने देखा होगा पिछले 3-4 दिन से ये इशू, ये न्यूज़ बराबर आ रहा है टीवी में या हर जगह छाई हुई है कि यूक्रेन में जो हमारे स्टूडेंट्स फंसे हुए थे ना, इंडियन स्टूडेंट्स मेडिकल के तैयारी कर रहे थे वहाँ पे, और वहाँ की सिचुएशन जो है हम सबको पता है, उस वजह से हमारे काफ़ी स्टूडेंट, लगभग 20,000 स्टूडेंट वहाँ फंसे हुए थे और वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। और जो हमारे डिप्लोमेसी है, फॉरेन रिलेशनशिप है हमारे गवर्नमेंट के, और मोदी जी के जो फ्रेंडशिप क्या मतलब, वो जो फॉरेन डिप्लोमेसी है हमारे और मोदी जी के फ्रेंडली जो रिलेशनशिप है दूसरे कंट्रीज़ के साथ, पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा, जब से मोदी जी आए हैं उनका यही एक पॉलिसी रहा है कि जो फॉरेन कंट्रीज है उनके साथ हमारे रिलेशन जो है कितना अच्छे से अच्छा और बेहतर हो सके, वो हर तरह की कोशिश करते हैं। जैसे कोरोना के टाइम पे जो छोटे छोटे मुल्क थे, गरीब मुल्क थे, वो पैसे देकर कोरोना के वैक्सीन खरीदने की उनकी हैसियत नहीं थी, तो उनको फ्री में वैक्सीन देकर उनकी मदद किए, और हर जगह हर तरह के जितना हो सके, जितना बन पाए, वो हर एक कंट्री के साथ अच्छे से अच्छे रिलेशंस रखते हैं, उनको मदद करते हैं। और हम उनको उनका मजाक उड़ाते थे कि लोग देखो ना कैसे कैसे मतलब ट्वीट आता था, कैसे कैसे बातें आता था कि देखो जहाँ जाते हैं झप्पियाँ दे देते हैं, पप्पियाँ ले लेते हैं, आपको वही दिखता था क्योंकि आप उतने ही के लोग हैं। एक बात हमको बचपन में सिखाया जाता था कि भाई हमेशा बाज की तरह बनो, क्योंकि बाज ही ऐसा पक्षी है जो बहुत दूर तक की खबर रख पाता है। जितना पता बाज को होता है ना, उतना ही कौवा को नहीं होता है, और जितना कौवा को होता है उतना ही छोटा चिड़िया नहीं होता है, घर के आसपास घूमता रहता है, उसको नहीं होता है। क्योंकि जो पक्षी जितना दूर उड़ता है, जितना ऊंचा उड़ पाता है, वो उतने का खबर रख पाता है। तो जितने घटिया लोग हैं उतना घटिया सोच है कि पप्पियाँ डालते हैं, छप्पियाँ डालते हैं। भाई पप्पी छप्पी से अगर रिश्ते बन जाते ना तो क्या बताए, खैर छोड़ो, गंदे लोगों के गंदी सोच है। वो पप्पिया झप्पिया आज काम आया, देखा आपने? जहाँ दूसरे मुल्क के बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, उनके गवर्नमेंट को ये सोचने पर मतलब अब तक वो सोच भी नहीं पा रहे कि अपने सिटीजन्स को वहाँ से कैसे निकाले, कैसे रेस्क्यू करें। लेकिन एक फ़ोन कॉल कर दिया रशिया में व्लादिमीर पुतिन के पास हमारे गवर्नमेंट ने, कि खास करके मोदी जी ने, कि हमें हमारे स्टूडेंट्स सही सलामत वापस चाहिए कैसे भी करके। आपने देखा खारकीव में 6 घंटे के लिए उसने जंग को रोक दिया, वहाँ कोई मिसाइल अटैक नहीं हुआ, कोई बॉम्ब अटैक नहीं हुआ, 6 घंटे हमारे लिए उसने जंग को रोक दिया। इस हालत में पॉसिबल लगता है आपको? लेकिन हुआ कैसे?
और वो बात छोड़िए, यूक्रेन के अड़ोस पड़ोस में जितने भी कंट्रीज है ना, जैसे पोलैंड हो, हंगरी हो, वहाँ पे भी हालत कुछ इतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी देखो वो लोग हमारा कितना सपोर्ट कर रहे, कितना मदद कर रहे, हमारे सिटीजन्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, और वो वहाँ से निकलने में जितना हो सके मदद करते हैं। किस वजह से उनको क्या लेना देना हमसे, हमारे सिटीजन से हा? कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि और एक बात आपने देखा होगा कि रशियन आर्मी ने एक एडवाइजरी जारी किया था कि अगर आप इंडियन हो और यहाँ से निकलना चाहते हो, हमें पता चले कि आप इंडियंस हो, तो आपके जो ट्रांसपोर्ट है जहाँ से आप निकल रहे हो, जिसमें से आप निकल रहे हो, उसमें इंडियन फ्लैग तिरंगा लगा दो, ताकि हमको पता चल जाएगा कि आप इंडियंस हो और जा रहे हो, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, आप सेफली यहाँ से निकल जाएंगे। और दूसरा उसी बात को फॉलो करके इवन पाकिस्तान के स्टूडेंट्स भी, कमाल की बात ये देखो कि जिस देश हमसे, जो देश इतना नफरत करता है हमारा, हमको हर पल हर सेकंड हमको तकलीफ़ में देखना चाहता है, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है हर प्लेटफॉर्म में, आज उसी के सिटीजन्स हमारे तिरंगे के सहारे यूक्रेन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ खुद को इंडियन बता रहे हैं, और भारत माता की जय का नारे भी लगाते हैं, है ना मज़े की बात। लेकिन हमारे ही देश में कुछ गंदे लोग हैं जो हमारे देश के ही तो है, पैदाइशी यहीं का है, यहाँ का खाते हैं, यहाँ का साग हवा में सांस लेते हैं, खुद को इंडियन भी कहते हैं, लेकिन भारत माता की जय कहने में उन्हें शर्म आता है, उन्हें परहेज है, क्या बोले ऐसे लोगों को। आज सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, जितने भी श्रीलंका के बहुत सारे देश के लोग वहाँ फंसे हुए हैं, और उनका एक सहारा, एक ताकत है इंडियन फ्लैग, तिरंगा, उसको दिखाकर वो खुद को इंडियन बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं। बोलो कितनी ताकत है हमारे तिरंगे में, ये तो आपको पता चल गया होगा, खास करके उस लोगों को, उन लोगों को जो कभी तिरंगा को ना कमज़ोर समझते थे, कि यार इसमें क्या है, भारत की क्या औकात है, क्या खासियत है, क्या मतलब अहमियत है दुनिया में, के आज देख लिया ना कितना अहमियत है, कितनी ताकत है, कितना क्या बताए, कुछ तो शर्म करो। अरे यार पूरी दुनिया हमारी इज्जत कर रही है, पूरी दुनिया तिरंगा को सलाम कर रही है, उसकी सहारे खुद की जान बचा रही है, और आप हो के इसकी मजाक उड़ाते हो। खैर कोई बात नहीं, आपकी सोच आपको जिंदाबाद, हमारी सोच हमको जिंदाबाद। हमें मोदी जी से कोई मतलब इतना खास लेना देना नहीं है, कोई खास आत्मीयता नहीं है, लेकिन उनकी जो पॉलिसी है वो कितनी बेस्ट है, खास करके फॉरेन पॉलिसी। देखो ना दुनिया में ऐसा कोई देश आपको मिलेगा नहीं जो भारत को, हाँ कुछ लोग हैं जो अपनी फायदे के वजह से या कुछ पर्सनल रीजन के वजह से हमारे प्राइम मिनिस्टर का हो या फिर हमारे देश को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कई बार, लेकिन बाद में पछताते हैं और माफ़ी भी मांगते हैं, तो ये तो चलता रहता है। लेकिन हकीकत यही है कि हमारा वजन बहुत ज़्यादा है पूरी दुनिया में, हमारा एक ख़ास मुकाम है, और एक ख़ास जगह है, हमारा एक ख़ास इज्जत है, सब झुक के नमन करते हैं हमारे देश को, क्योंकि हम पूरे 5,000 साल पुरानी सभ्यता है, लेकिन इतने दिनों में कभी किसी पर भी अटैक नहीं किया अपने तरफ से। हम सब जानते हैं, दुनिया पूरा जानता है हम न्यूक्लियर पावर कंट्री है, लेकिन फिर भी हमने कभी खुलेआम किसी को धमकी नहीं दिया, भाई हमको छेड़ोगे तो हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, तुमको उड़ा देंगे, बर्बाद कर देंगे। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो न्यूक्लियर पावर की भोंक जमा कर ना लोगों को डराते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये होता रहता है, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन फिर भी लोग हमसे डरते हैं, हमारे देश को इज्जत देते हैं, क्यों? सबको पता है कि हम हर बार पीस की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, और हमेशा करते भी रहेंगे, हम शांति प्रिय लोग थे है और आगे भी रहेंगे। हमें किसी को डरा धमका के ना उसके दिल में हमारे लिए इज्जत पैदा नहीं करते, हम काम ही कुछ ऐसे करते हैं कि लोग उनके तरफ से हमें मजबूर होकर इज्जत देना पड़ता है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि अगर तुमसे कोई नफरत करता है, तुमको कोई नीचा दिखाने की कोशिश करता है ना, तो बदले में आप उसको इतना इज्जत दो, इतना इज्जत दो, उसको इतना प्यार करो कि वो खुद से शर्मिंदा हो जाए
और आपको प्यार करने के लिए और आपको इज्जत देने के लिए मजबूर हो जाए, उसको अपने आप में इतनी नफरत हो जाए, अपनी आदत पे इतनी नफरत हो जाए, वो खुद सर झुका ले अपनी, तो ये बड़ी बात होती है। किसी के दिल में जगह बनाना बहुत बहुत बड़ी बात और बहुत मुश्किल भी होता है, लेकिन किसी को डरा धमका के, किसी को दादागिरी दिखा के, न्यूक्लियर पावर की धौंस जमा के किसी के दिल में आप जगह नहीं बना सकते हो। बस थोड़ी देर के लिए वो आपके सामने झुक जरूर जाएगा, लेकिन हमेशा के लिए वो आपसे नफरत ही करेगा और कभी प्यार नहीं कर सकता। और जितना प्यार हमें आज पूरी दुनिया दे रहा है ना, वो शायद पहले कभी देता था। खैर, इतना ही कहना था और क्या कहूँ भाई, हमारा देश की क्या ताकत है ये अगर आपको अंदाज़ा भी नहीं है ना, तो कम से कम आज के हालात के बाद आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हम क्या है, हमारी क्या औकात है, हमारा तिरंगे की क्या कीमत है। हमारा देश आज दुनिया में कहाँ खड़ा है। खैर, आप क्या सोचते हैं देश के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे देश के लिए मेरे मन में बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी इज्जत है और आगे भी रहेगा, मरते दम तक रहेगा। और मैं भगवान के पास यही दुआ करूँगा कि अगली जन्म अगर होता है, अगर कुत्ता बिल्ली भी जन्म पाऊँ ना, तो हिंदुस्तान में पाऊँ, लेकिन हिंदुस्तानी कुत्ता कहलाने में भी मुझे कोई शर्म नहीं पड़ेगा, कोई शर्म नहीं लगेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हिंदुस्तानी होना चाहिए। तो खैर, इस बारे में कितना भी बात करे वो कम पड़ जाएगा, कितनी भी बोले वो कम पड़ जाएगा, लेकिन इतना ही कहूँगा कि अगर हिंदुस्तानी हो, हिंदुस्तानी कहते हो खुद को या मानते हो, तो थोड़ा सा इज्जत करो हमारे देश के, देश को, हमारे तिरंगे को, हमारे इंटरनेशनल अफेयर जो होते हैं, हमारे जो फॉरेन पॉलिसी से होते हैं, उसके ऊपर भरोसा रखो कि कभी वो हमको डूबने नहीं देगा। और हमारी गवर्नमेंट जो है फिलहाल जो है वो इतने अच्छे हैं कि उनके फर्स्ट प्रायोरिटी देश ही है, हमारे देशवासी है। चाइना इतना बड़ा कंट्री है, लेकिन अपने सिटीजन्स को निकालने के लिए अभी तक कुछ नहीं कर पाया। पाकिस्तान को का तो बात ही छोड़ो, वो तो अपने सिटीजन्स को ऑलरेडी कह चुका है कि भाई अपने दम पर गए थे, अपने दम पर आओ, हम तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकते। उनके बच्चे हमारे तिरंगा लेके, भारत माता की जय के नारे लगा के वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे, कोशिश किया, निकल भी रहे हैं। तो खैर, फिर आपकी मर्ज़ी, आप क्या सोचते हो देश के बारे में, कितना इज्जत देते हो हमारे देश को, कितना प्यार करते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। मेरे लिए तो मेरा देश मेरे माँ बाप की तरह है। खैर, आज के लिए वीडियो का करते हैं एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में, और मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज़, क्योंकि सब्सक्राइबर के बिना कोई चैनल ग्रो ही नहीं होता है, किसी की ग्रोथ नहीं होता है, तो मेरा भी कहाँ से होगा। तो खैर, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन रिक्वेस्ट करना कर ही सकते हैं, उसके अलावा क्या कर सकते हैं। हम तो आपके लिए कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे वीडियो लाए, और मैं लाऊंगा भी आगे। रहा सवाल आपकी पसंद ना पसंद की, तो अगर कोई शिकायत है मुझसे तो यार डिस्क्रिप्शन में मेरे अपना लिंक दे चुका है, उसी में शेयर कर सकते हो अपनी कमेंट्स। अगर आपको कोई चीज़ बुरा लगता है या कुछ कमी लगता है तो मैं उसको सुधारूंगा आगे जाके, और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार थैंक्स कर दो, कम से कम एक छोटा सा शुक्रिया तो दे दो, अच्छा लगेगा। और प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और पास में है जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, ताकि आगे चलकर जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।